दोस्तों, वैसे तो इंडिया में न्यू कार बायर के लिए एक मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आपको एक 7 सीटर कार लेनी हो और कम बजट में लेनी हो तो आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कि कौन सी कार लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कम बजट में मात्र कुछ ही कार अवेलेबल है और उनमें से भी आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, कहाँ अपनी कमाई को लगानी चाहिए, ये डिसाइड कर पाना कस्टमर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया में मिलने वाली उन सभी 7 सीटर कार को कवर करेंगे जो कम बजट में मिल जाती है और हर कार के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी कार लेनी चाहिए और कौन सा डिसीजन सही होगा। इस वीडियो में आपको हर कार के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बताने की पूरी कोशिश। तो इन कारों की लिस्ट में हमने 7वें नंबर पर रखा है महिंद्रा मराजो को। महिंद्रा मराजो एक काफ़ी अच्छी 7 सीटर कार है और इंडिया में ये कार 10 से 15 लाख एक्स शोरूम के बजट में मिल जाती है। आगे हम इससे कम कीमत वाली कारों की बात करेंगे, लेकिन अगर आपको 10 से 15 लाख की अच्छी 7 सीटर कार लेनी है तो मराजो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये कार 3 वेरियंट के साथ आती है, M2, M4 और M6। ये तीनों वेरियंट 7 और 8 सीटर ऑप्शन के साथ आते हैं और ये कार 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है जो 121 BHP का पावर जनरेट करती है। और इस कार में हमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन आता है जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जहां हमें इस कार के साथ 17 से 18 का माइलेज आसानी से मिल जाता है। महिंद्रा मराजो में आपको बेहतरीन इंटीरियर और फुल स्पेस मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। और ख़ास बात यह है कि ये कार सेफ्टी क्रैश टेस्ट में इंडिया में बाकी सभी 7 सीटर कारों में सबसे ज़्यादा रेटिंग लेके आई है, तो इस वजह से आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट में अगली कार हम महिंद्रा TUV 300 को रखेंगे। ये कार साइज में एक 5 सीटर SUV की तरह दिखती है, लेकिन इस कार को कॉम्पैक्ट तरह से डिज़ाइन करके एक 7 सीटर SUV बनाया गया है। इस कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8 लाख से 10 लाख रखी गई है और ये कार इंडिया में 4 वेरियंट के अंदर आती है जो कि T4, T6, T8 और T10 है। और साथ ही ये कार 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है जो 100 BHP की पावर जनरेट करती है। इस कार में हमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये कार हमें 5-स्पीड मैनुअल गियर के साथ मिलती है। साथ ही इस कार के साथ 18 से 19 KMPL का माइलेज आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको 8 से 10 लाख के बजट में एक 7 सीटर SUV लेनी है तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। और लिस्ट में हमने अगली महिंद्रा की ही कार महिंद्रा बोलेरो को रखा है। महिंद्रा बोलेरो 8 से 9 लाख के बजट में इंडिया में मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है और इसे अपग्रेड करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें इंजन TUV जैसा ही है, 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा कम पावर और टॉर्क जनरेट करता है और माइलेज भी काफ़ी कम देता है। ये इंजन 75 BHP का पावर जनरेट करता है, साथ ही 5-स्पीड मैनुअल गियर के साथ आता है जो कि 16 से 17 का माइलेज देता है। और बाकी दोस्तों एक्सटीरियर और इंटीरियर भी महिंद्रा TUV 300 का ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लगता है, इसलिए आपको बोलेरो की बजाय महिंद्रा TUV 300 कंसीडर करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने लिस्ट में अगली कार मारुति सुजुकी अर्टिगा को चुना है जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली फैमिली पर्पज 7 सीटर कार है। मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7.5 लाख से 10 लाख तक जाती है। ये कार केवल पेट्रोल में ही मिल पाती है क्योंकि हाल ही में इसका डीजल इंजन बंद कर दिया गया था। ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिल जाती है। इस कार में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो 103 BHP का पावर जनरेट करता है और साथ ही इस कार के साथ 19 KMPL का माइलेज भी मिल जाता है, इसलिए मारुति सुजुकी अर्टिगा कम कीमत में अच्छा और वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से इस कार को इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपको भी फैमिली पर्पज के लिए एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए तो आप अर्टिगा को कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मारुति की कार रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है और हर जगह सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है। दोस्तों अगर आपको अर्टिगा से भी कम कीमत में 7 सीटर कार चाहिए तो आप रेनॉल्ट ट्राइबर को देख सकते हैं। ट्राइबर इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5 से 7.5 लाख तक आती है और ये कार मार्केट में 4 वेरिएंट में आती है जो कि RXE, RXL, RXT और RXZ है। ये कार इंडिया में 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ मिलती है जो कि 71 BHP का पावर जनरेट करती है।
साथ ही इस कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये कार 20 से 21 kmpl का माइलेज दे देती है। दोस्तों, इस कार में आपको थोड़ा छोटा इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन इस कार के लिहाज से इतना सफिशियंट भी है और इंजन छोटा होने की वजह से ही इसकी कीमत में कमी हुई है। इस वजह से ये कार 5 लाख में 7 सीटर बजट कार मिल जाती है। इस कार में अर्टिगा से बेहतर सीटिंग लेआउट मिल जाता है, जिससे स्पेस का बेहतर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ट्राइबर से भी सस्ती 7 सीटर कार लेनी है और ट्राइबर जैसी ही लेनी है, तो आप डटसन गो प्लस को अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ये कार इंडिया में 5 वेरिएंट में मिलती है और कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4,20,000 से शुरू होकर 6,90,000 तक जाती है। इस कार में आपको ट्राइबर से बड़ा इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाता है। इस इंजन के साथ कार का माइलेज 18 से 20 kmpl का क्लेम किया गया है। वैसे दोस्तों, डटसन गो प्लस भी ट्राइबर और अर्टिगा से काफ़ी कम्पीट करती है, लेकिन इंडिया में डटसन का छोटा सर्विस नेटवर्क होने के कारण ये इतनी सेल नहीं कर पाती है। तो अगर आपको बिल्कुल कम कीमत में 7 सीटर कार लेनी हो, तो आप डटसन गो प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इससे भी कम कीमत में आपको इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी की इको मिल जाएगी, लेकिन इस कार को लोग फैमिली पर्पज़ के लिए कम और कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा खरीदते हैं। ये कार इंडिया में 4 वेरिएंट में मिल जाती है और इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 4 लाख से शुरू होकर 5,50,000 तक जाती है। ये कार 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में मिलती है। कार के साथ हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें CNG फिटेड का भी ऑप्शन मिलता है। ये 1.2 लीटर का इंजन 72.5 bhp का पावर जनरेट करता है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल कम कीमत में रफ एंड टफ 7 सीटर कार लेनी है, तो आप जरूर इको को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आप अपने बजट के हिसाब से कौन सी 7 सीटर कार चुनेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।